प्रश्न पूछा गया है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो जो उद्देश्य और विधेय हैं ये दो अंग माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? तो ये दोनों ही वाक्य के दो अंग माने जाते हैं या फिर वाक्य के दो भेद माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो जो यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा तो ये हो जाएगा पारावार, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 3, वृक्ष का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है या फिर विलोम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाना था यहाँ पर संदिग्ध, विकल्प ए यहाँ से ही हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था, अकाउंटेंट जनरल का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाता है महालेखाकार, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5, इसमें पूछा गया है देवासुर में कौन सा समास होगा? तो जो देवासुर है यहाँ पर जो समास होगा तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, डी सही हो जाएगा। देखिएगा जितने भी प्रश्न यहाँ पर है ग्रामर सेक्शन के, इसके लिए मैंने आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड कर दी थी और ज़्यादातर प्रश्न इसमें नॉर्मल ही थे, ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले नहीं थे। तो यहाँ पर जो कठिन प्रश्न रहेगा हिंदी साहित्य का वो आपके साथ में डिस्कस कर ही लूँगा। देखिएगा एक तो ये प्रश्न था 6 नंबर का, क्या जो ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से और किसकी थी कि छलिया छवीलो छैल छाती छुए चलो गयो, ये जो पंक्ति थी किस कवि की और किस ग्रंथ की थी, ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा था, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं करवाया था। तो इसका जो सही विकल्प होना चाहिए विकल्प बी, पद्माकर का पद्माभरण ग्रंथ से इसे लिया गया था, तो जिसने ये बी किया है उसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, इसमें क्या पूछा गया है, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जो उदंत मार्तंड है ये आपकी कलकत्ता से प्रकाशित होता था, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये सी सीरीज को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने प्रश्नों को मिलाइएगा, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं बाकी सीरीज वालों के। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 8, देखिएगा जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इसके लिए मैंने आपको एक विस्तृत वीडियो बना कर दी थी, अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो आपका ये सही होना था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विभत्स का। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, 9वें का पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमान्य समीक्षक थे, तो ये कौन थे बहुमान्य? तो ये हो जाएंगे आपके प्लेटो से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में समीक्षा का एक विस्तार हो गया था, तो सही विकल्प यहाँ पर डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10, इसमें क्या पूछा गया है, विकासवाद के प्रस्थापक का नाम बताइए। तो जो विकासवाद था इसका जो प्रस्थापन किया था ये मैंने आपको बताया था, तो ये डार्विन के द्वारा किया गया था, अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ इसे डिस्कस किया था, अगर ध्यान से देखा होता तो ये प्रश्न भी आप बड़ी आसानी से ले लेते। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके शौरसैनी अपभ्रंश से, यहाँ पर जो डी सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ये सिंपल से ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा ये प्रश्न था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। विश्व की ऐसी कौन सी भाषा है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सही विकल्प बी होना चाहिए, संस्कृत, ठीक है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर भी मैं आपके साथ इन्हें डिस्कस करूँगा। देखिएगा अगला प्रश्न है 13, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो 13 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मार्च 1960 को, तो बी सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 14, इसमें क्या पूछा गया है, रुकिएगा जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आसानी से दिखाई देता रहे। तो जो प्रश्न संख्या 14 है इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो अगर अनुक्रम की बात करें, देखिएगा सबसे अंत में तो हिंदी आनी थी, इस तरह से भी आप एलिमिनेट करके प्रश्नों को बना सकते थे। तो अगर हिंदी सबसे अंत में आती तो ये दोनों तो पहले से गलत हो जाती कि ये दोनों तो आपके होने ही नहीं थे, तो जो होते तो ए या बी में से होना था। तो देखिएगा पहले तो देखिएगा अपभ्रंश तो नहीं आई थी, ये तो बात की थी, जो पहले आई थी पाली, फिर प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी और सबसे अंत में हिंदी, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप एलिमिनेट करके प्रश्नों को बना सकते थे। अगला जो प्रश्न है 15, पलवन का शाब्दिक अर्थ है, तो बताना था कि पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये होता है विस्तार या फिर तरक्की करना। फिर अगला प्रश्न है 16, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है, तो बताना है कि जो अभिव्यक्ति है इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो ये होगा प्रकट करना, अपने जो विचार है किसी के साथ आप प्रकट करते हैं तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 17, करण का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो जो करण का तद्भव शब्द होगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, कान। इसी के साथ देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्टेटस क्यू के लिए हिंदी का पर्यायवाची है, ये किसका पर्यायवाची होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, यथापूर्ण स्थिति। तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो ये चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो चार भाग है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सामान्य सा प्रश्न था ये भी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 20, खुमान रासो किस कवि की रचना है? तो जो खुमान रासो है, सिंपल सा प्रश्न है, दलपति विजय की ये रचना हो जाएगी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? सिंपल सा प्रश्न है, श्री संप्रदाय की। फिर अगला प्रश्न है 22, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? प्रतिवाद्य जो विषय रहेगा व्याकरण। फिर आगे है 23, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो ये मल्लुकदास की हो जाएगी। सिंपल सा प्रश्न था ये भी। फिर आगे देखिएगा क्या है प्रश्न 24, जो मृगावती है किसकी रचना हो जाएगी? ये तो ये कुतुबन की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है 25, हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अगर ललित कलाओं के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका रीतिकाल। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया है 26, गोरख जगायो जोग भक्ति गायो लोग, किस कवि की ये पंक्ति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी तुलसीदास की। तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है 27, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका हो जाएगा? बेहद ज़्यादा अच्छा प्रश्न था ये, डॉक्टर नगेंद्र का। फिर जो अगला प्रश्न है 28, रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये प्रश्न तो बड़ा ही भाई गजब का प्रश्न कह सकते हैं, या फिर इनका जो तात्पर्य है ये समझ नहीं आ रहा है कि किस विद्वान से ये कहना चाह रहे हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस संबंध में, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। तो देखिएगा अगर यहाँ पर जो राजसीयु है, राजसीयु तो ये माना गया है यहाँ पर आपके गारसा दत्तासी के द्वारा। फिर जो अगर यहाँ पर हम बात करते रासक की, तो रासक माना गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और जो अगर रसी की बात करते, रसिक ये किसी के द्वारा नहीं माना गया है, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पर ए और सी विकल्प चयन किया होगा तो उसका मुझे लगता है कि सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सर्व कवियों के अनुसार माना गया है, कवि विशेष की बात नहीं करी है। तो ऐसे तो इसका सही उत्तर नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग विद्वान ने इसका अलग अलग मत प्रस्तुत किया था, ठीक है। बाकी देखिए ऑफिशियल आंसर की में क्या मत होगा इसका। तो कई जो कवि थे उन्होंने इसका रास भी माना है, रास के अनुसार नंदुलारे वाजपेयी आने थे। बाकी रसिक का मुझे अभी तक इसका नहीं मिला है कि रसिक के लिए किसने अपना मत प्रस्तुत किया था, तो ये नहीं मिला है। बाकी देखिए अगर रसिक का भी पता होगा आपको तो आप बता सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 29, आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रिय प्रवास को। तो डी सही विकल्प हो जाना था यहाँ। फिर देखिए अगला प्रश्न है 30, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो विकल्प बी सही हो जाता, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है 31, पद्मावत की प्रतीक योजना के बारे में पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर असंगत होगा? तो जो विकल्प डी है, राघव चेतन, ये गुरु नहीं होगा, ठीक है। राघव चेतन का प्रतीक था शैतान का, गुरु तो तोता माना जाता है। अगला प्रश्न है 32, वाक्य रसात्मक काव्यम, ये जो पंक्ति कही गई है किस विद्वान की थी? तो ये आचार्य विश्वनाथ की थी। तो बी यहाँ क्या पूछा गया है 33। तो पहले हमने 1 से 32 तक प्रश्नों को डिस्कस किया है, अब हम 1 से 33 से लेकर 70 के आसपास तक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रश्न, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आए, उस छंद को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोहा। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है साहिर में 36, हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो जो प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। विकल्प ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 34, आधिकारिक और प्रासंगिक दो भेद हैं,
तो ये किसके दो भेद माने जाते हैं? तो ये संवाद के दो भेद माने जाते हैं। नाटक के अंतर्गत संवाद आता है, ये इसी के माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 37 रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रानी केतकी की कहानी लिखी गई है, इंशा अल्लाह खां के द्वारा, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो लिटरेचर का लेवल था हार्ड नहीं था, नॉर्मल सा था। तो जिसने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी, हमारे कोर्स को परचेज़ किया होगा, तो वो इस प्रश्न पत्र को अवश्य अच्छे से सॉल्व कर लिया होता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 35, कवि कल्पद्रुम और क्या है, कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये दोनों ही रचनाएं हो जाएंगी यहाँ पर चिंतामणि की, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था साइड में 38, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारी शिक्षा हेतु किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये हो जाना था विकल्प बी, बाला बोधिनी। यहाँ पर बाल बोधिनी लिखा है, बाल बोधिनी नहीं, बाला बोधिनी हो जाएगा यहाँ ये। बाकी देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी उसके सही उत्तर मिल सके। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रदान कर दिया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 39, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? तो ये निराला जी की पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 42, प्रभा खेतान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये अन्या से अनन्या हो जाएगा, विकल्प सी सही यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 40, युगधारा प्यासी पथराई आंखें भस्माकुर किसकी रचना है? नागार्जुन की रचनाएं हो जाएंगी। गीत फरोश किस कवि की रचना है? तो गीत फरोश हो जाएगी यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 41, प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रेमचंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 44, जमीन पक रही है किस प्रकार का काव्य संग्रह है? ये जो काव्य हो जाएगा आपका, ठीक है, डी सही विकल्प। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा यह है 45, लोक के राग विराग हर्ष विषाद सुख दुख की सहज अकृत्रिम स्वाभाविक व सरस अभिव्यक्ति का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा लोक साहित्य, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 48, तुलसीदास जायसी ग्रंथावली किस विधा की रचनाएं होंगी? तो ये आलोचना विधा की रचना हो जाएगी यहाँ। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी पूछा गया है, यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये फिरोजपुर छावनी में हुआ था, ठीक है। देखिए विकल्प आगे आपको ब्रैकेट के अंदर छावनी भी दिया गया है, तो इसका सही उत्तर डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक को दो के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए पूछा गया है, अलंकार संप्रदाय किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? तो ये किया गया था बाहमा के द्वारा, और रीति बामन के द्वारा, ध्वनि आनंद वर्धन के द्वारा, और रस भरतमुनि के द्वारा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा, आप सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। फिर जो पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो ये उर्वशी के लिए किए थे, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 50, इसमें भी एक को दो के साथ सुमेलित करना है, या सूची एक को सूची दो के साथ। देखिए तो जो धर्मयुग पत्रिका थी ये किसके द्वारा चलाई जाती थी? धर्मवीर भारती के द्वारा, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हंस मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। इसका भी आप सुमेलित कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये सही लगेगा उसको सही हो जाएगा ये विकल्प। फिर अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रचना कवितावली किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी ब्रज, विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 53, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्त है? तो ये अज्ञेय का हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न पूछा गया था 54, कृष्ण को रस के रूप में तथा राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय के द्वारा स्वीकार किया जाता है? वैष्णव सहजिया संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है 51, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित होगा? तो ये भगवान श्री राम से संबंधित होगा, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 55, पूछा गया है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी आपकी करमवीर, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है 58, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो जो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था, तो ये आपका मंगलसूत्र हो जाएगा। इसे इनके किसके द्वारा पूरा किया गया था? इनके पुत्र के द्वारा से पूरा किया गया था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 56,
प्रश्न संख्या 56, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अधिकतर बार परीक्षा में से पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ये देखिएगा, ये आपके एक तरह से आंदोलनकारी माने जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। देश की प्रगति हेतु इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत करी थी। फिर अगला प्रश्न है, एक देखिए झांसी की रानी कविता है, वो भी इन्हीं की मानी जाती है। फिर जो अगला प्रश्न है, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रेरणता कौन माने जाते हैं, तो ये हो जाएंगे राहुल सांकृत्यान। इसी के साथ देखिए कई बार अज्ञेय दिए जाते हैं, अज्ञेय भी हो जाएंगे। इसी के साथ जो नागार्जुन है ये भी माना जाते हैं। कई बार घुमक्कड़ त्रयी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें राहुल सांकृत्यान हो जाएंगे, अज्ञेय हो जाएंगे और नागार्जुन भी हो जाएंगे। फिर आगे का जो प्रश्न पूछा गया है 57, कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नाटक दिए गए हैं ये सारे के सारे मोहन राकेश के ही नाटक हो जाएंगे, जैसे कि आधे अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। परंतु जो कालिदास जी के जीवन से संबंधित नाटक होगा तो वो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन से संबंधित नाटक माना जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 60, क्या पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो जो हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से जो प्रसिद्ध होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मानी जाती है। एक इनकी रचना थी, मुझे फेंक देना तुम सैनिकों के चरणों में, कुछ ऐसी एक पुष्प की अभिलाषा। हाँ जी, मुझे याद आ गया, पुष्प की अभिलाषा उस कविता का नाम था। तो विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर 61, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। तो जो महाभारत के पात्रों पर आधारित कृति हो जाएगी तो कौन सी होगी ये, तो ये मैंने काफ़ी इसमें से आपको करवा रहा हूँ, तो अंधायु इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो अंधायु किसकी रचना हो जाएगी, धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी अंधायु। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 62, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का रचनाकाल क्या माना जाता है। तो ये सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प डी 1936। कई बार 1935 भी दिया जाता है, अगर 35 हो तो आप उसे भी सही कर सकते हैं, परंतु 36 ही इसका वास्तविक सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 63, कुटच किस निबंध के, जो कुटच निबंध लिखा गया है इसके रचनाकार या निबंधकार कौन होंगे, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कई बार इनके अन्य निबंध भी पूछे जाते हैं, कुटच महत्वपूर्ण हो जाएगा, फिर अशोक के फूल महत्वपूर्ण हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह भी इन्हीं के निबंध हो जाएंगे और काफ़ी बार परीक्षा में ये पूछे भी जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 64, पत्नी कहानी के लेखक हैं, तो बताना है कि जो पत्नी कहानी है ये किसकी हो जाएगी। तो ये सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प सी जैनेन्द्र की ये कहानी हो जाएगी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 65, जलेबी शब्द किस भाषा का है। तो जो जलेबी है ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा, डी सही विकल्प हो जाएगा ये। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 66, यथासंभव में कौन सा समास है। तो जो यथासंभव है यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 67, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न आपके लिए मुश्किल होगा। सारे के सारे प्रश्न आसान थे, हमने आपके माध्यम के साथ उन्हें डिस्कस किया था। कोर्स में सारे के सारे प्रश्न आपको अध्यायवार विस्तृत तरीके से बताए गए थे, ठीक है। एक दो प्रश्न ये अवश्य होते हैं कि जो नहीं करवाए जाते हैं, वैसे एक दो प्रश्नों का उतना भी ज़्यादा रोल नहीं रहता आपकी परीक्षा को पास करने को, क्योंकि वो सभी के लिए हार्ड होते हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था 68, चीफ की दावत कहानी के कहानीकार कौन है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, चीफ की दावत किसकी हो जाएगी, भीष्म साहनी की, भी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 71, मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मलबे का मालिक आधारित है। तो बताना है कि जो मलबे का मालिक है इसका विषय क्या रहेगा। तो इसका जो विषय रहेगा भारत पाक विभाजन, ठीक है, सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। कहानी याद रखनी है, मलबे का मालिक किसका होगा, मोहन राकेश की कहानी। अगला प्रश्न है 69, प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्याओं के सुधार की समस्या को उठाया गया है। तो ये उठाया गया है जो इनका उपन्यास था सेवा सदन, ये सही विकल्प हो जाएगा। बाकी वरदान, रूठी रानी और कायाकल्प और सेवा सदन, यह भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है 72, मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो ये त्यागपत्र का प्रमुख पात्र हो जाएगा, और ये किसकी रचना हो जाएगी, त्यागपत्र, जैनेन्द्र की।
फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 70, इसमें क्या पूछा गया है, सांप छछुंदर की दशा होना, क्या है सांप छछुंदर सी दशा होना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ निकलेगा, दुविधा की स्थिति में होना या असमंजस की स्थिति में होना। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर 73, इसमें क्या पूछा गया है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो जो मैथिल कोकिल कहा जाता है तो ये विद्यापति को कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है 74, 73 तक हमने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, हम 73 से आगे जो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 120 तक। देखिएगा प्रश्न संख्या है 74, क्या पूछा गया है इसमें, तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी अवधि का। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 77, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है विकल्प बी या सी में से कोई एक सही होना चाहिए, पूरा कन्फर्म तो नहीं हूँ, इन दो में से एक कन्फर्म उत्तर होगा ही होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 75, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। अगला प्रश्न है 78, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो जो महाप्राण वर्ण होगा यहाँ पर विकल्प सी ख। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके यशपाल, सी सही विकल्प हो जाएगा। 79 है, क्या पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं होगा तो धर्मवीर भारती नहीं होंगे, बाकी सूरदास तुलसीदास और कबीरदास भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 80, इसमें क्या पूछा गया है, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, तो ये पंची की पंक्ति हो जाएगी जो इनकी वाणी नामक रचना है वहाँ से इसे संग्रहित करा गया है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या है 81, इसमें क्या पूछा गया है, धनु जमा टंकार अर्थात धनु प्लस टंकार से संधि क्या निकलेगी, तो ये निकलेगी विकल्प डी धनुष टंकार, डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 82, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा विकल्प सी परीक्षित। अगला प्रश्न पूछा गया है 83, वेदना निराशा पीड़ा आदि का चित्रण किस काव्यधारा की विशेषता रही है, तो ये छायावाद की विशेषता रहेगी। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 85, इसमें क्या पूछा गया है, मुन्ना तथा मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपी ने लोटी, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान, बच्चे को यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है अपनी माँ को देखकर। अगला प्रश्न है 84, इसमें क्या पूछा गया है, मन पछीते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म वचन अरु हीते, तो जो ये पंक्ति है तुलसीदास की किस रचना से ली गई है, तो पूरा कंफर्म तो नहीं कहूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प डी होना चाहिए, बाकी देखिए ऑफिशियल आंसर की में क्या कहते हैं, इसको आप सही ना मानिएगा क्योंकि अच्छा प्रश्न ये लिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए 86, इसमें क्या पूछा गया है, अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है चाल चलना, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 90, अतिवृष्टि में मूल शब्द कौन सा होगा, तो जो अतिवृष्टि में जो मूल शब्द होगा तो ये हो जाएगा वृष्टि, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो जो कृपा है ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, बाकी मित्र कार्य और उपहार ये स्त्रीलिंग नहीं होंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 88, पहली शब्द शक्ति कौन सी मानी जाती है, तो अविदा को पहली शब्द शक्ति माना जाता है, तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, इसमें पूछा गया है कवयित्री किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जो विकल्प सी है इस प्रकार से कवयित्री लिखा जाता है, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। 90 का सही विकल्प बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मुद्रा किस प्रकार का शब्द है, तो जो मुद्रा है ये आपका पारिभाषिक शब्दावली हो जाएगा, पर कन्फर्म नहीं हूँ, आप इस पर भी श्योरिटी ना दिखाएं, अगर आपको कन्फर्म उत्तर आता हो तो आप अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है 92, इसमें क्या पूछा गया है, रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है, तो ये 7 कांडों में विभक्त है, तो सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है 93, साहित्य लहरी किसकी रचना हो जाएगी, तो जो सूरदास है इनकी रचना हो जाएगी साहित्य लहरी, तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, सूरसागर भी इन्हीं की रचना मानी जाती है।
फिर देखिए 94 परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार कौन होंगे, तो जो निर्मल वर्मा है ये परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार माने जाते हैं। लतिका इसकी प्रमुख पात्र है और जो निर्मल वर्मा है इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में, इसका भी ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से मानक शब्द कौन सा होगा, तो जो मानक माना जाता है तो ये धोबीन को ही माना जाता है, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 96 जो तमाशा है भारत के किस राज्य का लोक नाट्य है, तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प भी महाराष्ट्र। जो लोक नाट्य है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए। फिर देखिएगा अगला प्रश्न जो पूछा गया है 97 कई मास किसका एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है, तो जो सही विकल्प हो जाएगा, बहुत अच्छा उत्तर लगाया है, पृथ्वीराज रासो का यह एक सर्ग होगा। तो देखिएगा कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जो पृथ्वीराज रासो है ये सर्गों में दिया गया है या फिर समय में, तो सही विकल्प हो जाएगा समय। शायद पिछली परीक्षा जो टेट की थी वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये सर्गों में ना होकर समय में दिया गया है, समय से यहाँ पर तात्पर्य होगा अध्याय। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 98 अमृतलाल नागरकृत मानस का हंस में किस प्रसिद्ध कवि का संपूर्ण जीवन नई दृष्टि और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो जो मानस का हंस होगा तो सही विकल्प यहाँ पर तुलसीदास का हो जाएगा मानस का हंस। अगर पूछा जाएगा खंजन नयन तो ये सूरदास का हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है 99 अंक क्या है, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो ये हो जाएगा बहुत स्नेह से मिलना, तो ये डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कौन सा है इस प्रश्न को यहाँ पर स्किप कर देते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 101 अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो जो पंक्तियाँ हैं यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है 102 लिटन ब्लॉक गिर रहा है कहानी संग्रह के रचयिता कौन होंगे, तो ये SR हरनोट होंगे, ये हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 103 सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए थे, तो ये बात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए थे, इसीलिए इन्हें बात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है सूरदास को, इन्होंने जो ये बात्सल्य रस का जो अत्यधिक प्रयोग किया था सूरसागर जो इनकी रचना मानी जाती है इसमें किया था। और जो अगर कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो सूरदास है इनके मुख्य नायक कौन रहे हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण इनके मुख्य नायक रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता कि जो तुलसीदास के मुख्य नायक कौन रहे हैं, तो इनके मुख्य नायक रहे थे प्रभु श्री राम, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे से तथ्य रहते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आपने ढंग से इन्हें पढ़ा होता तो आपको ये परीक्षा में लाभ भी प्रदान करते हैं। फिर देखिएगा तालव्य ध्वनि पूछी गई है, निम्न में से कौन सा व्यंजन है जो तालव्य से संबंधित नहीं होगा, तो ठीक है, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, उचित विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए, कौन सा शब्द होगा परलोक, तो जो परलोक शब्द का विपरीतार्थक या विलोम होगा तो ये हो जाएगा इहलोक, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर देखिएगा सही विकल्प अगला कौन सा प्रश्न कौन सा होगा 106 एक अच्छे दुभाषीय का प्रमुख गुण कौन सा होता है, या फिर अगर ये प्रश्न बनता है कि एक अच्छे अनुवादक का प्रमुख गुण कौन सा होता है, तो इसका ये हो जाना था कि स्रोत तथा लक्ष्य भाषा दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये अनुवादक या दुभाषियों का प्रमुख गुण रहता है। फिर जो आगे का प्रश्न है 107 अनुवादक का समानार्थक संस्कृत शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अनुवाक। देखिएगा जो प्रश्न संख्या 107 था इसका जो सही विकल्प ए हो जाएगा अनुवाक, अनुवादक का सही समानार्थी संस्कृत शब्द हो जाएगा विकल्प ए अनुवाक। फिर जो प्रश्न संख्या 108 है इसमें क्या पूछा गया है, दंतीय व्यंजन कौन सा है, तो जो दंतीय व्यंजन हो जाएगा थ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 109 सिद्ध बज्रयानी थे, बज्रयान किस धर्म की एक शाखा थी, तो सही विकल्प हो जाना था विकल्प बी।
बौद्ध धर्म की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई थी, तो ये 12 मानी गई थी। तो दोस्तों प्रश्नों का लेवल उतना हार्ड नहीं था, अगर आपसे ढंग से पढ़े होते तो आप सारे प्रश्न यहाँ पर ठीक कर लेते, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न तो मैंने आपको जो फ्री की वीडियोस थी आपके लिए जो लास्ट टाइम में ले आया था वहाँ से भी सीधे से प्रश्न बने होते, अगर आपने ढंग से उन्हें देखा होता तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारे प्रश्न ठीक कर लेते। अगला जो प्रश्न है, कबीर वाणी में दोहों को क्या नाम दिया गया है, तो ये साखी भी कहा जाता है और कई जगह इसमें रमैणी का भी प्रयोग मिलता है, तो जो मूलतः सही विकल्प होना चाहिए मुझे लगता है डी होना चाहिए। बाकी इसका भी हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की में क्या उत्तर देते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है 112, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया था, तो ये दिया गया था अलंकृत काल, सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था, तो ये पंत जी को दिया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है 114, गोपाल लाल गहमरी किस प्रकार के उपन्यासकार थे, तो ये थे जासूसी। अगला प्रश्न है 115, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, तो ये शायद पिछले टेट की परीक्षा में पूछा गया था, तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राष्ट्रभाषाएं दी गई हैं, तो ये 22 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 343 में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो ये लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, ये हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लाया गया है, लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, तो डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसे राजभाषा माना, तो ये हिंदी को माना था। फिर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए हमारे हिंदी साहित्य के जो 120 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप सभी बताइएगा कि जो आपने 120 हिंदी साहित्य के प्रश्न हमारे साथ डिस्कस किए उनमें से आपके कितने सही हुए हैं। देखिएगा मेरे सामने जो आंसर की जो प्रश्न पत्र है ये सी सीरीज़ का है, ठीक है। आप प्रश्नों के जो आगे पीछे हो सकते हैं आपके प्रश्न पत्र में आप मिला लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य है, तो जो खोखन अभयारण्य होगा हिमाचल प्रदेश के जिले में, तो ये आपके कुल्लू में होगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। इसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 122, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया था 123, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी, तो वो भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये बताना था यहाँ पर 123 में, तो ये सही हो जाएगा विकल्प सी 15वें नंबर की, सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 124, तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिएगा, वायसराय जॉन लॉरेंस ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था, तो जो 124 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 1864 को। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 125, पहाड़ी भाषा पहले किस लिपि में लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी टांकरी में, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126, क्या पूछा गया है इसमें, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ था, तो जो 126 का सही विकल्प हो जाएगा भारत और चीन के मध्य, सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। बाकी देखिएगा यहाँ पर मेरे निजी प्रयास हैं, किसी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो आप प्रमाण सहित उसका सही उत्तर दे सकते हैं ताकि सभी को इसका सही उत्तर पता चल सके। ऐसे ही आप मत बताइएगा कि ये होना चाहिए, ठीक है, जो सही हो तभी बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 127, तो इसमें क्या पूछा गया था, रुकिएगा थोड़ा, ये देखिएगा, रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, तो ये हो जाएंगे दामोदर दास, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 128, श्रीखंड महादेव किस जिले में स्थित है, तो ये आपके कुल्लू में स्थित होगा, बी सही विकल्प है। अगला जो प्रश्न है 129, तो इसमें क्या पूछा गया है, 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे,
तो जो 129 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। अगला जो प्रश्न है 130, इसमें क्या पूछा गया है, किस पुराण के अनुसार बाणासुर को जो ऊपरी शिमला के सराहन क्षेत्र का शासक था कृष्ण द्वारा उसे मारा गया था, तो 130 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा देव पुराण, सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 131, क्या पूछा गया है इसमें, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जो 131 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा से लिखा गया था, ठीक है, अबुल फजल, अबू फजल भी कहते हैं या फिर अबुल फजल भी कहते हैं, और ये अकबर का दरबारी था या इसे कवि कह सकते हैं अकबर के दरबार का। अगला प्रश्न देखिएगा 132, इसमें क्या पूछा गया है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन के बीच में हुई थी, तो जो 132 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अकबर और हेमू के मध्य। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी हुई थी ये आप बताइएगा किसके मध्य हुई थी, ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 133, इसमें क्या पूछा गया है, दिल्ली के लोधी सुल्तान थे, तो बताना है कि कहाँ के ये सुल्तान थे, कहाँ पर ये, कहाँ से भारत की ओर ये अग्रसर हुए थे, ठीक है, तो उस जगह का स्थान, उस स्थान का नाम बताना है, तो जो 33 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये अफगान से दिल्ली आए थे और इन्हें अफगानी भी कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है 134, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है, तो ये हो जाएगा कंबोडिया में, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों जीके की, उतना हार्ड जीके नहीं था, अगर आप थोड़े पूरे पी बाई क्यू भी देख लेते इसके लिए तो आपके काफ़ी ज़्यादा उत्तर यहाँ पर सही हो जाते, ठीक है। चलिएगा 135 को देख लेते हैं, यहाँ पर विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। ये अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए मैं कहता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, आसान था, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो प्रश्न है विक्रम संवत से संबंधित पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था क्या किस प्रकार से आप विक्रम संवत और ईस्वी सन का पता लगा सकते हैं, तो आपको अगर कुछ पता करना होता था तो आप 57 जमा और माइनस करके इसके बारे में जानकारी ले सकते थे। फिर देखिएगा 136 पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो जो 136 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 राज्यों में, ए सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 137, इसमें क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा जो सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये चंपारण से किया गया था, 137 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी। बाकी देखिएगा अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 138, उत्तराखंड के केदारनाथ वन में निम्न में से किस प्रजाति के लिए संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है आपके कस्तूरी मृग के लिए, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 139, इसमें क्या पूछा गया है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सूक्ष्म तरंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 140, इसमें क्या पूछा गया है, भारत के पहले स्वदेशी विमान का क्या नाम था, तो 140 का सही विकल्प हो जाएगा विक्रांत। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 141, वह कौन वह धातु जिसका लवण प्रकाश में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है उसका क्या नाम है, तो ये हो जाएगी सिल्वर अर्थात चांदी, 41 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 142, इसमें क्या पूछा गया है, मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं अर्थात कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो जो 42 का सही विकल्प आपके समक्ष हो जाएगा 206, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 143, इसमें क्या पूछा गया है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके विकल्प डी, लाला हरदयाल, 143 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 144, नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कहीं पर जेठपाल भी दिया है कहीं पर राजा बसु भी दिया है, यहाँ पर बासपाल दिया है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ है, मेरे ख्याल से अगर बसु यहाँ पर माने तो था, परंतु बसु नहीं है बासपाल दिया है, थोड़ा सा ये गलत लग रहा है मुझे, जेठपाल इसकी पूरी तरह से संभावना है कि ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 145,
नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है, किस जिला में ये चोटी स्थित होगी? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपके चंबा में ये स्थित होगी, ठीक है, सी सही विकल्प। बाकी दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपको प्रश्न का स्तर कैसा लग रहा है, ठीक है, हार्ड लेवल का पूछा गया था या नॉर्मल? वैसे तो ये नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सूरजताल झील किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में होगी, विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 147 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उहल जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो 147 का जो सही विकल्प हो जाएगा मंडी में स्थित है। अगला जो प्रश्न है 148, किन्नर देश पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो 148 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह भी प्रश्न एक तरह से अच्छा प्रश्न था, आसान। अगला प्रश्न है 149, विश्व प्रसिद्ध प्रथम क्या है ये? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था? तो जो 149 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा लाला जमादार या जमादार लाला, विकल्प भी ये सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर भंडारी राम भी दिया है तो ये गलत हो जाएगा, भंडारी राम नहीं होगा, जमादार ही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? तो जो 150 का सही विकल्प हो जाएगा मानतलाई झील, तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो जीके के प्रश्न थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य को। बाकी मुझे और भी कैंडिडेट्स ने प्रश्न पत्र सेंड किया था, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, परंतु जो सर्वप्रथम मुझे प्रश्न पत्र सेंड किया गया था तो वो करण ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो चलिए अब